हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो जैसे कि आपको पता है कि हमने अपनी एक रीजनिंग की सीरीज शुरू की है, इसका ऑनलाइन लेक्चर लगा करेगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, पहले तो मेरी इंट्रोडक्शन के माई सेल्फ अमित, और हमारा जो चैनल है यूट्यूब पे मास्टर जी के नाम से, उस पे ये सभी वीडियो जो भी यहाँ पर लाइव वीडियोस चलेगी उनकी रिकॉर्डिंग आपको उस पे मिल जाया करेगी। वो मिलेगी उसको ही जिसने हमारा कोर्स परचेज किया होगा। छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस कोर्स की दे देता हूँ। ये कोर्स होगा रीजनिंग के बारे में, रीजनिंग में मेंटल एबिलिटी कह लो इसको। और ये किस एग्जाम के लिए हम मेनली प्रेपरेशन करेंगे, कोई भी आपका स्टेट एग्जाम है, एसएससी है, ठीक है, चाहे वो सीएचएसएल हो या सीजीएल हो, उसके अलावा कोई भी, जैसे कि जैसे मैं पंजाब से हूँ तो पंजाब के कोई भी एग्जाम आते हैं, तो उन सब के लिए जितनी भी रीजनिंग आएगी वो मैं सब आपको करवाऊंगा। और इसकी एक सिर्फ छोटी सी रजिस्ट्रेशन फीस है जो कि है सिर्फ 49 रुपीज़। और ये भी सिर्फ इसलिए है क्योंकि मेरे को किसी बहुत ही सयाने इंसान ने कहा था कि जब आप किसी को कुछ फ्री में देते हैं तो वो उसकी कदर नहीं करता, तो ये सिर्फ एक रजिस्ट्रेशन फीस है ताकि आप अगर लेक्चर लगाने आओ तो कम से कम इसके लालच में ही आओ। इसमें आपको मिलेगा क्या क्या, आपको अप्रोक्सीमेट 1 घंटे की रोज की क्लास होगी, मंडे टू फ्राइडे आपकी क्लास होगी, बिल्कुल बेसिक से अपना चलेगा, बिल्कुल नियम नीचे का लेवल है उससे हम शुरुआत करेंगे, ठीक है। और इसका जो मीडियम रहेगा वो या तो इंग्लिश रहेगा या हिंदी रहेगा, ठीक है। हिंदी थोड़ी सी मेरी अच्छी है तो आप हिंदी में थोड़ा सा अपना समर्थन देना, बट हाँ इंग्लिश मेरी उससे भी अच्छी है तो वो भी हम देख लेंगे। पंजाबी में मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि मैं अपनी हिंदी इंप्रूव करना चाहता हूं। तो रीजनिंग का रहेगा आज जो हम डिस्कस करेंगे, आज हम वो डिस्कस करेंगे कि हम क्या क्या चीजें पढ़ेंगे, हमारे सिलेबस में क्या क्या रहेगा और अप्रोक्सीमेट कितने दिन के ये अपना जो है कोर्स रहेगा। और हाँ, इसमें एक बात बताने में भूल गया कि इसमें आपको सब पीडीएफ्स मिलेंगी, इसमें आपको पीडीएफ्स मिलेंगी, जो जो भी चैप्टर यहां पर चलेगा उसका पीडीएफ मिलेगा आपको, किसमें, इंग्लिश में मिलेगा, उसका पीडीएफ आपको इंग्लिश में मिलेगा। जो भी क्लास में नहीं आया होगा, जो भी, तो उसको वो वीडियो ऑनलाइन भी देख सकता है, वो हमारे चैनल पर अनलिस्टेड होकर पड़ जाएगी, जिसके लिंक आपको आफ्टर क्लास मिल जाया करेंगे, ठीक है। आज का जो मेरा लेक्चर रहेगा ये सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी पार्ट रहेगा कि हमने पेपर की तैयारी कैसे करनी है, ठीक है। अगर मैं बात करूं अपने सिलेबस की, अगर मैं अपने सिलेबस की बात करूं तो कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो लगभग लगभग हर एग्जाम में आते हैं, जैसे कि सबसे पहले इंपॉर्टेंट चैप्टर है कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग एक ऐसा चैप्टर है, वाइड चैप्टर है, इजी चैप्टर है, जो लगभग लगभग हर एग्जाम में आता है, ठीक है। हम इसमें जरूरी नहीं है कि जैसे कोई चीज मान लो एसएससी में नहीं आती तो वो नहीं करेंगे, मैं रीजनिंग का ए टू जेड सब कुछ करवाऊंगा, जैसे बैंक में भी, बैंक में क्या है जैसे वो नहीं आता अपना क्लॉक नहीं आता, बट वो हम करेंगे, ठीक है। तो कोडिंग क्यूब डाइस वगैरह नहीं आते बट सब हम करेंगे, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, ब्लड रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, 10th लेवल का ले लो, चाहे आप ग्रेजुएशन लेवल का कोई भी टेस्ट हो वहां पर ब्लड रिलेशन आता है, डायरेक्शन दिशाएं, रैंकिंग हम करेंगे, ये जो 4 चैप्टर हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं जिनको हमने कवर करना है। तो मैं उम्मीद करता रहूंगा कि आप भी बीच बीच में अपनी प्रतिक्रियाएं दें, अगर कोई आपका क्वेश्चन है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। उसके अलावा अपने पास क्यूब डाइस रहेगा, अपने पास रहेगा क्लॉक, उसके बाद अपने पास रहेगा कैलेंडर, नंबर सीरीज, अल्फाबेट सीरीज, सिलॉगिज्म,
काउंटिंग फिगर्स, इसके बाद अगर मैं कहूं एनएलजी, ऑड वन आउट, पेयर फॉर्मेशन, तो लगभग लगभग 15 टॉपिक हो गए। इसके बाद जो है डिक्शनरी, इन सब का हम जो ये वर्बल का पार्ट है ये सब हम अपना कंप्लीट करेंगे। सो इनमें से कुछ लेक्चर ऐसे भी होंगे जिनको सिर्फ एक दिन लगेगा, जैसे ऑड वन आउट है, पेयर फॉर्मेशन है, डिक्शनरी है, ये छोटे छोटे से टॉपिक है जिनको सिर्फ एक दिन लगेगा। कई ऐसे भी होंगे जिनमें 7-7 दिन भी लगेंगे, जैसे ब्लड रिलेशन है, कैलेंडर है, इनमें 7-7 दिन भी लग सकते हैं। तो मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं करूंगा कि मैंने जल्दी जल्दी खत्म करना है इसलिए मैं करवाऊंगा, बिल्कुल बेसिक से मैं करवाऊंगा इसको। यही जो हो गया हमारा वर्बल का पार्ट हो गया। और नॉन वर्बल में हम क्या करेंगे, मिरर एंड वाटर इमेज, पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग, सीरीज। और नॉन वर्बल में हम क्या करेंगे, मिरर एंड वाटर इमेज, पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग और सीरीज। सो ये अपना जो है इस बार का सिलेबस रहेगा जिस पे हम मेन फोकस करेंगे। हो सकता है कोई एक दो टॉपिक रह गए हों, पर मैं आपको लास्ट तक, जब तक हमारा लास्ट होगा तब तक मैं आपको ये सारा कुछ कंप्लीट करवा के विद पीडीएफ्स आपके सामने हाजिर कर दूंगा। और मैं ये गारंटी के साथ कहता हूं, अगर आप डेली रेगुलर इस क्लास में आते हैं, लाइव में, रिकॉर्डेड नहीं, क्योंकि रिकॉर्डेड में आप मेरे को पूछ नहीं सकेंगे, बट इस लाइव में आप मेरे को पूछ सकते हैं कि सर ये क्या है, ये कैसे हुआ, ये क्यों हुआ। सो आज आई थिंक बच्चे थोड़े से कम आए हैं क्योंकि पहला दिन है। सो आगे से मैं उम्मीद करूंगा कि आप सभी बच्चे आएंगे। इस उम्मीद पे नहीं रहेंगे कि हमको तो ऑनलाइन मिल जाएगा, रिकॉर्डेड मिल जाएगा, क्योंकि बात एक वन टू वन चीज की होती है, ऑनलाइन में तो आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। ठीक है, सो ये सारा सिलेबस है जो हम अगले लगभग लगभग मैं अपने अंदाजे से कह सकता हूं बात कि अप्रोक्सीमेट हम 2 से 2.5 महीने में कंप्लीट कर लेंगे। अप्रोक्सीमेट है ये मंथ, 2.5 से 3 भी हो सकता है, पर 2.5 से कम नहीं होगा जो मेरा मानना है। तो 2 से 2.5 महीने के अंदर अंदर हम ये सारा कंप्लीट कर लेंगे। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ सकता हाँ जी, किसी का कोई इसके बारे में मेरे से कोई भी क्वेश्चन हो तो मेरे से पूछ सकता है। कुछ रह गया हो, कुछ पूछना हो कोर्स के बारे में, मेरे बारे में, अपने बारे में बताना हो तो बता सकता है। नहीं तो फिर आज हम सिर्फ ये इंट्रोडक्टरी पार्ट करेंगे और कल से हमारी खास, कल से हमारी टाइमिंग रहेगी, जो हमारी टाइमिंग रहेगी वो 5:30 बजे से 6:30 बजे की रहेगी। ठीक है, आज डे है अपना, आज ट्यूसडे है, सो कल वेडनेसडे है। सो वेडनेसडे से हमारी जो टाइमिंग रहेगी 5:30 से 6:30 बजे तक रहेगी। मैं उम्मीद करूंगा कि आप सब लोग वहां पर आए और मेरे साथ साथ क्वेश्चन आंसर करें। तो किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो आज का हम यहीं पर वाइंड अप करेंगे। छोटा सा पार्ट था, इंट्रोडक्टरी पार्ट था, कल से जो क्लासेस थी वो हमारी कंटिन्यू रहेंगी। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो मेरे से पूछ सकता है, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो मेरे से पूछ सकता है। हाँ जी करें, ओके चलो। सो आज मैंने सिलेबस डिस्कस करना था, मैंने बता दिया 2 से 2.5, 2.5 से 3 हो सकते हैं, 3 मंथ में जितना भी हो सका ये सारा सिलेबस अपना कवर हो जाएगा। उसके अलावा ये जो टाइम में रहेगी 5:30 से 6:30, मैं उम्मीद करूंगा कि अपनी क्लास अगर 5:30 मैंने बोल दिया तो 5:35 पे वो स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, 5:35 पे वो स्टार्ट हो जाएगी, तो सभी बच्चे कृपया करके 5:35 पे यहां पर पहुंचे। ठीक है जी, हाँ जी, बाकियों को आ रही है।